मॉर्निंग मैम। मैम ओके एन एक्सरसाइज टू दैट आई हैव गिवन नाउ इज योर होमवर्क। मैम आप बहुत धीरे बोल रहे हो, कुछ सुनाई में नहीं दे रहा। अब सुनाई दे रहा है? हेलो यस मैम मैम। आ रही है आवाज बराबर? यस मैम। ओके तो एक्सरसाइज टू दैट आई हैव गिवन एज योर होमवर्क दैट इज अपने एक्सरसाइज टू चैप्टर नंबर 8 फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पेज नंबर 33 एक्सरसाइज नंबर 2। हैव यू रेड इट? यस मैम। हाँ तो सेंड तो नहीं किया है ग्रुप में, किया था आया होमवर्क। एसएस का होमवर्क भी बाकी है, वो भी आपको सेंड करना है। ओके बिफोर क्लास यू हैव टू साइन। ओके चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फाइनाइट इन 1 मिनट। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द इंफिनिटिव जीरंड और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। ओके पार्टिसिपल फॉर्म्स मतलब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला नहीं है, ओनली पार्टिसिपल फॉर्म बोला है, मतलब आप भूतकाल जो वीक थ्री होता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ओके तो दैट फॉर्म यू आल्सो हैव टू राइट इन द ब्लैंक्स। शी डिड नॉट वांट डैश अलोन टू न्यू कंट्री। सो ऑप्शंस आर गिवन, सी डिड नॉट वॉन्ट न्यू कंट्री, तो न्यू कंट्री में एम्बेरस नहीं आएगा, रिलैक्स नहीं आएगा, विच वन कम? सो हियर आंसर इज गिवन टू ट्रैवल अलोन टू अ न्यू कंट्री। तो ये टू ट्रैवल क्या है, इंफिनिटिव है, जीरंड है या पार्टिसिपल है? विच टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म इज टू ट्रैवल? बोलो। एक काम करो अनम्यूट कर दो और वीडियो ऑन कर दो। टू ट्रैवल ये इंफिनिटिव है, जीरंड है या फिर पार्टिसिपल है? हाँ मैम ये इन्फिनिटिव है। क्या है, इंफिनिटिव है। ओके इंफिनिटिव मतलब जो टू से स्टार्ट होता है, वर्ब फॉर्म के आगे टू लगता है तो उसे कहते हैं इंफिनिटिव। ओके तो फर्स्ट में तो आंसर दिया हुआ है, सेकंड वन सी मेड अ सिली मिस्टेक, सी इज फीलिंग डैश। इम्प्रेस उसने मिस्टेक की तो उसे कैसा फील हो रहा था? इंबैरेस्ड। तो कैसा फॉर्म फॉर्म कौन सा आएगा, इंफिनिटिव लिखूं, जीरंड लिखूं या फिर पार्टिसिपल? मैम ईडी वाला। यस सी फीलिंग इंबैरेस्ड, तो ईडी वाला को क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। व्हाट इट कॉल्ड? पार्टिसिपल फॉर्म। ओके इंबैरेस्ड। इट इज पार्टिसिपल बिकॉज़ इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डैश बैडमिंटन इज गुड वे टू एक्सरसाइज। प्लेइंग प्लेइंग, तो प्लेइंग कौन सा फॉर्म है वर्ब का? प्लेइंग जनरल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके ये अगला पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है जिसको जिसके पीछे ईडी लगता है या फिर जो इनरेगुलर है जैसे कि ईट एट ईटन। ईटन क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके पास्ट पार्टिसिपल है। सेम वे जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। क्या कहते हैं उसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
या फिर gerund form भी कहते हैं. Fourth one, the book had an dash plot. Interesting. 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 Relaxed. I can think better when I am dash. Ma'am, relaxed. Only relaxed, relaxed or relaxing or to relax. What will come? ED wala. When I am relaxed. I am. Blank ke aage kya hai? Dekho pehle. Blank jo hai uske aage kya likha hai? Am. Matlab to be form hai na? So before before blank there is given to be form. So blank is comes in gerund, no? And it comes. And what is that? ING. So answer is come like relaxing. Right? एम के बाद ईडी लिखोगे तो वो तो पैसिव फॉर्म बन जाएगा, पैसिव सेंटेंस. एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना, एक्टिव पैसिव बन जाएगा. यस. हां, तो अगर टू बी के फॉर्म, टू बी का कोई भी फॉर्म यहां पे आप लिखते हो कि आई एम रिलैक्स, मतलब वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा सेंटेंस का, पैसिव फॉर्म बन जाएगा. जैसे कि वर डांस, वर डांस, ऐसे सब सेंटेंसेस जो आते हैं वो कौन से फॉर्म में आते हैं? पैसिव सेंटेंसेस में आते हैं. पैसिव वर्ब नहीं लिख रहे. ओके, सिंपल सेंटेंस है. तो आई कैन थिंक बेटर व्हेन आई एम रिलैक्सिंग, नॉट ईडी. रिलैक्सिंग इट विल कम इन फॉर्म. सिक्स्थ वन, द रॉबर फोर्स्ड हिम डैश विद ऑल हिज मनी टू टियर. टू टियर. टियर कौन सा टियर? नहीं, T-E-A-R. मनी को थोड़ी फाड़ना है. टियर का मतलब क्या हो जाएगा? फाड़ना किसी चीज को. किसी चीज जब फट जाती है उसे भी हम टियर कहते हैं और आंसर को भी हम टियर कहते हैं दोनों. बट यहाँ पे तो मनी की बात है तो टियर तो आएगा नहीं. और कुछ लिखो. पार्ट में रॉबर्स मतलब जो चोर होते हैं, जो बैंक में रॉबरी करते हैं. द रॉबर्स फोर्स्ड हिम, रॉबर ने उसे फोर्स किया. डैश विद ऑल हिज मनी मतलब यहाँ पे पार्ट बराबर है कि सब सारे पैसों में मुझे पार्ट दो, ऐसा फोर्स किया. तो व्हाट विल कम? इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. टू पार्ट. यस, वेरी गुड. Robbers forced him to part. To part. For with all his money. Now seventh one. He wore a dash shirt. Ma'am, tear. Tear. Or sentence kaun se tense mein hai? He wore. Tear the shirt. Nahin. सेंटेंस कौन से टेंस में ये बताओ पहले. ही वॉर अ डैश शर्ट तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट. कैसे पता चला? मैम वॉर है इसलिए. वॉर. ओके. डब्ल्यू ई ए आर का मतलब होता है पहनना. वियर मतलब पहनना. तो वहां पे वियर का थर्ड फॉर्म दिया है वॉर. तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो थर्ड फॉर्म में है, मतलब पास्ट टेंस में. ओके. तो अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो आपको टियर का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा? बुध का ना? पास्ट टेंस. हाँ, तो उसने फटा हुआ शर्ट पहना था. फटा शर्ट पहना था ऐसा नहीं होता है ना सेंटेंस. फटा हुआ मतलब जो फट गया था. तो टियर का बन जाएगा, टियर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉम. व्हाट विल कम? टी ओ आर एन, टॉम. पार्टिसिपल. This is the participle form, torn. Okay, now last one. The doctor advised her not to eat. Fine.
फ्राइड फूड फ्राइड फूड आएगा नो फ्राइड आएगा फ्राइड को फ्राइड फूड ओके तो यहाँ पे पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा फ्राई का पार्टिसिपल हो जाएगा एफ आर आई डी फ्राइड फ्राइड फूड ओके सो दिस इज अवर एक्सरसाइज टू लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर थ्री लिख दो आंसर्स Exercise 3 is underline the non-infinitive verbs in this sentence and indicate whether they are infinitive for I, gerund, G, or participle P. जैसे हमने यहाँ पे भी बोला नहीं था कि ऐसा करना है, फिर भी मैंने आपको दिखाया तो आपको exercise 3 में पता चले कि ये जो फ्राइड लिखा है वो क्या है participle है. Okay? ये भी पता चलना चाहिए. कि आप जो लिख रहे हो वो कौन सा फॉर्म लिख रहे हो वर्ब का इन्फिनिटिव लिख रहे हो जीरेंड फॉर्म लिख रहे हो या फिर आप पार्टिसिपल लिख रहे हो ओके सो दिस थिंग यू आल्सो कंफर्म नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 में भी नॉन इन्फिनिटिव फॉर्म कैसे होते हैं नॉन इन्फिनिटिव वर्ब जो बदलते हैं या नहीं बदलते बोलो इन्फिनिटिव नहीं बदलते Yes, ma'am. Non-infinitive की नीचे underline करनी है और आप जो भी लिख रहे हो उसे identify करना है. First one, they live in क्या लिखा है? Dilapidated building. Dilapidated building. तो ये जो है ना वो past participle है ना P वहाँ पे लिखा है P और ईडी लगा है मतलब वो नॉन इन्फिनिटिव है नहीं नॉन इन्फिनिटिव कौन सा है इसमें दे लिव इन अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग कोई भी नहीं है बिल्डिंग तो वर्ब नहीं है वो तो शब्द है ना बिल्डिंग ये तो नाउन है बिल्डिंग एक शब्द है वो वर्ब फॉर्म नहीं है किसी का तो लिव लिव के नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी ना लिव लिव का क्या हो सकता है लिव्ड भी हो सकता है तो लिव is infinitive और non-infinitive है कोई इसमें sentence वन में बोलो मैम थ्री participles participle तो है ही डी जिसके नीचे आपको underline करके दिए ना already it is a participle because उसके पीछे तो ed form लिखा है मैम इस सेंटेंस में जीरंड भी है कौन सा नहीं वो बिल्डिंग जीरंड नहीं है शिवानी बिल्डिंग तो एक शब्द है ना बिल्डिंग अगर जो घर तीन चार फ्लोर का हो तो हम उसे बिल्डिंग कहते हैं ना फाइव फोर फ्लोर सिक्स फ्लोर फ्लैट होते हैं फ्लैट को हम बिल्डिंग कहते हैं तो इट इज नॉट वर्ब फॉर्म इट इज नाउन एक शब्द है ना बिल्डिंग मतलब बहुत सारे माल का मकान उसे हम बिल्डिंग कहते हैं इट इज नॉट वर्ब फॉर्म और यहाँ पे लिखा है ना जो डिलापेट डिलापेट का मतलब क्या होता है टूटा हुआ जर्जरित हुआ मतलब के जो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टेड नहीं है मकान जो भी बिल्डिंग है वो कैसी हो गई है अब पुरानी हो गई है तो यहाँ पे ऐसा बनेगा सेंटेंस दे लिव इन डिलापिडेड बिल्डिंग तो डिलापिडेड के नीचे लिखो
टूटी हुई। डिस्ट्रॉय ऐसा भी उसका मीनिंग हो सकता है, जो बहुत ही टूटी हुई है। तो ये जो डिलैपिडेट है ना, वो ही है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। बट यहाँ पे वर्ब फॉर्म नहीं है, जो चेंज नहीं होगा, ऐसा कोई है नहीं। चलो सेकंड देखो, द बेबी हैज लर्न टू क्राउन। लर्न तो वो क्या है, पार्टिसिपल। हाँ पार्टिसिपल है, ओके। और ट्रू का क्राउन क्या है, मतलब घुटनों पे चलना, उसे क्राउन कहते हैं ना। तो ट्रू क्राउन क्या है, इन्फिनिटिव्स। नहीं हाँ, ये ट्रू क्राउन मतलब आगे ट्रू लगा के लिया है, सॉरी इन्फिनिटिव। ओके ट्रू क्राउन मतलब घुटनों पे चलना, ये है इन्फिनिटिव। और यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म मिला कोई? मैम दोनों लिखने या सिर्फ ये टू क्राउन लिखना है? दोनों लंट मैम। और आपको टू इन्फिनिटिव ढूंढना है, दैट डू नॉट चेंज इट फ्रॉम व्हिच पार्ट इज देयर, व्हिच डू नॉट चेंज इट फ्रॉम, द बेबी हैज लर्न टू क्राउन। बताओ, डू नॉट चेंज इट फ्रॉम, जो चेंज नहीं होता है फ्रॉम, ऐसा इन्फिनिटिव है इसमें, non-finite verb form है। किसमें? ये second sentence है। second आपको ढूंढना है non-finite, मैं ऊपर लिख देती हूँ पहले non-finite verb form में क्या क्या आता है, चलो बोलो। कौन कौन कहेगा मुझे non-finite verb form में क्या क्या आता है? What will come in non-finite verb में? Infinitives. Infinitives are there? Yes, very good. Or gerund. Yes, gerund aata hai. Or participles. Gerund form aata hai. Yes. Or kya aata hai usme? Participles. ओके, ये तीनों चीजें नॉन इन्फिनिटिव में आती है। तो आपको ये जो सेकंड सेंटेंस है उसमें नॉन इन्फिनिटिव दिख रहा है मैम, टू क्राउन। हाँ, क्योंकि ये जो टू क्राउन है वो पास्ट सेंटेंस में आप लिखोगे तो भी टू क्राउन ही लिखना पड़ेगा। देखो ये सेंटेंस पास्ट में ही है, लर्न मतलब लर्न का पास्ट दिया है, तो ये जो है वो भी क्या है, नॉन इन्फिनिटिव ही है। क्योंकि इसे अगर एक बार इसे हम चेंज करते तो फिर इसका कोई चेंजिंग होता नहीं है। तो पार्टिसिपल भी कौन सी चीज में आते हैं, नॉन इन्फिनिटिव में आते हैं। चलो इसके बाद देखो थर्ड वन, जॉगिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जॉगिंग कौन सा है ये फॉर्म? जॉगिंग जो है वो अपना फॉर्म भूतकाल में भविष्य काल में चेंज नहीं करता है, जॉगिंग का जॉगिंग ही रहता है। चलो फोर्थ वन देखो, द डॉग हैज लर्न टू डू ट्रिक्स। Learned. Or participle. Or क्या है? To do tricks. To do. तो ये to do जो है, वो क्या है? Infinitive है, है ना? To do क्या है? Yes. तो आपको I लिखना है। क्या लिखना है वहाँ पे? I. और
ये जो टू डू है वो नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, ये टू डू कभी भी चेंज होता नहीं है। तो ये टू डू के नीचे आपको अंडरलाइन करके लिखना है इन्फिनिटिव, और उसके नीचे और मैम लंट भी है, हाँ वो भी लिखना है। फिफ्थ वन, सी लाइक सिटिंग इन द फर्स्ट रो इन क्लास। सिटिंग क्या है? जेंडर नहीं, जीरेंडर। ओके, और ये इसके नीचे मैं अंडरलाइन करूंगी ना, करूं नॉन फाइनाइट कौन सा है वर्ब फॉर्म इसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब। सी लाइक सिटिंग्स इन द फर्स्ट रो इन द क्लास। फर्स्ट पहले नॉन फाइनाइट को समझो। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म में क्या क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, जीरेंड आता है, पार्टिसिपल आता है। तो ये सेंटेंस में ये तीनों कहाँ पे है? सिटिंग। हाँ, तो फिर फर्स्ट में क्यों जा रहे हो? हाँ दिव्या, नॉन इन्फिनिटिव का मतलब है जो चेंज नहीं होता है। क्या क्या चेंज नहीं होता है? टू इन्फिनिटिव, जिसके आगे टू लगता है वो किसी भी टेंस में टू ही रहता है। टू लर्न, भूतकाल में तो भी टू लर्न ही लगेगा आगे, टू लर्न चेंज नहीं होगा भूतकाल में, भविष्य काल में भी नहीं होगा। और सेम वे आईएनजी के फॉर्म मतलब जीरण फॉर्म भी चेंज नहीं होता, और पार्टिसिपल मतलब भूतकाल का जो रूप होता है वो भी चेंज नहीं होता। ओके, अगर एक बार भूतकाल बन जाए तो उसके बाद उसे चेंज नहीं करना पड़ता है ना, वो वहाँ जैसा होता है उसे वैसा ही रखना पड़ता है। तो आपको अंडरलाइन करके सीटिंग के लिए फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट तो एक शब्द है, वो वर्ब नहीं। आपको वर्ब ढूंढना है, क्रियापद ऐसा ढूंढना है जो अपना रूप चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो जीरेंड होता है वो अपना रूप चेंज नहीं करता है। ओके, चलो सिक्स्थ वन, सॉल्विंग। ही बॉट सॉल्विंग। ओके, सी लव्स सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स। सॉल्विंग जीरेंड है, जी लिखो। और नॉन फाइनाइट क्या है? प्राची सॉल्विंग कहाँ है, कहाँ पे हो प्राची? आप सारा भैया आप लोगों को भी आंसर देना है। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म डू नॉट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होते। तो कौन से फॉर्म चेंज नहीं होते? जिसके पीछे आईएनजी लगता है वो। तो यहाँ पे जो सॉल्विंग है वो भूतकाल में भी सॉल्विंग ही रहेगा, भविष्य काल में भी ये सॉल्विंग ही रहेगा, इसे हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ये जो सॉल्विंग है वो नॉन फाइनाइट है, जो क्रियापद बदलते नहीं है। हिंदी में अगर बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन फाइनाइट मतलब जो क्रियापद अपना फॉर्म मतलब अपना रूप नहीं बदलते, जैसे रूप में होते वैसे ही रहते हैं। आई एम सॉल्विंग पजल, देखो मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला चालू वर्तमान काल में, कंटिन्यूअस प्रेजेंट। आई एम सॉल्विंग पजल, मैं पजल सॉल्व कर रही हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मुझे भूतकाल में बोलना है तो कैसे बन जाएगा? आई वॉज सॉल्विंग पजल, मैं पजल सॉल्व कर रही थी। तो मैंने सॉल्विंग को चेंज किया? नो मैम। ओके, अभी इसी सेंटेंस को आप फ्यूचर में बनाओ तो कैसे बन जाएगा? आई विल सॉल्विंग पजल्स, मैं पजल्स को सॉल्व कर रही होगी। तो मैंने तो भविष्य काल में भी सॉल्विंग ही बोला, मैंने तो सॉल्व नहीं किया, उसका चेंज किया कोई भी फॉर्म नहीं किया। तो यही बात है कि जिस फॉर्म को आप चेंज नहीं कर रहे हो किसी भी टेंस में, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म। नॉन फाइनाइट में क्या क्या आता है? इंफिनिटिव मतलब टू वाले फॉर्म, टू गो, टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले। इसी सेंटेंस को भूतकाल में बनाओ, आई वॉज गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा था। और उसी सेंटेंस को आप भविष्य काल में चेंज करो तो भी विल के साथ भी यूज होगा सेम पे। तो इंफिनिटिव नॉन इंफिनिटिव में आएगा, नॉन फाइनाइट में आएगा इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। चलो उसके बाद तो टाइम नहीं है, विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, विद द न्यू एक्सरसाइज, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस 3 and 4, okay? As your homework, okay, you have to send the photo of exercise number 3 and 4 in our group. Okay, ma'am. Thank you. And do practice, okay?
डू प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर. ओके मैम.